आज हम बनाने जा रहे हैं मटर टमाटर की चटनी। उसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मटर टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, धनिया, गुड़, ऑयल और कुछ मसाले। सबसे पहले हमें टमाटर को बॉईल करना है। मैंने यहाँ पे 4 पीसेस टमाटर लिए हैं। आप जितने लेना चाहते हैं आप उतने ले सकते हैं। हमारे जब टमाटर बॉईल हो जाएंगे तब हमें उनको एक एक करके निकालना है। जब हम लोग अपने टमाटर अच्छे से निकाल लेंगे एक बाउल में, फिर हमें उन्हें अच्छे से पील करके काट लेना है छोटे छोटे पीसेस में। उसके बाद हमें पैन में ऑयल डालना है और ऑयल डालने के बाद हमें उसमें जीरा डालना है और कटी हुई अदरक और हरी मिर्च डालनी है। फिर हमें उसे मिक्स करना है। उसके बाद हमने जो टमाटर काट के रखे थे वो डालना है। टमाटर डालने के बाद हमें थोड़ा सा उसे मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमें उसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। फिर हमें उसके अंदर मसाले डालने हैं, जैसे नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, एंड उसके बाद हमें थोड़ी देर उसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। फिर हमें उसे वापस से ढक्कन लगा के खोल लेना है। उसके अंदर हमें गुड़ डालना है और गुड़ डालने के बाद उसे मिक्स करके अच्छे से, उसके बाद हमें उसमें मटर डालना है, बॉइल्ड मटर। बॉइल्ड मटर डालने के बाद हमें उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हमें उसमें ढक्कन लगा के रख देना है। हमारी मटर टमाटर की चटनी रेडी हो चुकी है।